सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट टेक इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट टेक इन्फो के एक फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज हम कुछ वर्सेस करने वाले हैं। जी हाँ, डिफरेंस बताने वाला हूँ रेडमी नोट 6 प्रो जो ये है लेफ्ट हैंड में मेरे, और रेडमी नोट 7 प्रो जो राइट हैंड में है मेरे। तो दोस्तों ये दोनों का बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडमी नोट 6 प्रो का लीजिए और यहाँ पर रख देता हूँ नीचे, ये है रेडमी नोट 6 प्रो, ये है रेडमी नोट 7 प्रो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रेडमी नोट 6 प्रो में जो डिस्प्ले है 6.26 इंच का डिस्प्ले है और रेडमी नोट 7 प्रो का डिस्प्ले है 6.30 इंच का। इसमें ड्यूअल नैनो सिम आता है और इसमें भी ड्यूअल नैनो सिम आता है। दोनों हाइब्रिड सिम स्लॉट सपोर्ट करते हैं, दोनों में स्टैंड बाय अलग सा नहीं दिया गया है। दोस्तों सबसे बढ़िया बात है इसका नॉच दिया गया है, आईफोन 10 की तरह नॉच है रेडमी नोट 6 प्रो, और वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है रेडमी नोट 7 प्रो में। और दोस्तों इसका थिकनेस 8.2 एमएम है, इसका थिकनेस 8.1 एमएम है। ये है रेडमी नोट 6 प्रो, ये है रेडमी नोट 7 प्रो। तो दोनों का 185 ग्राम, ऑलमोस्ट 185 ग्राम इसका वेट है। दोनों का जो बैटरी है दोस्तों वो 4000 एमएच की बैटरी है। रेडमी नोट 7 प्रो क्विक चार्ज सपोर्ट करता है। जी हाँ, दोनों में 4GB रैम है, 64GB इनबिल्ट है, एक्सपेंड कर सकते हो बट हैबिट सिम स्लॉट के जरिए। जी हाँ दोस्तों, तो हैबिट सिम स्लॉट के जरिए एक्सपेंड कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आउट ऑफ बॉक्स जो 6 प्रो है वो ओरियो के साथ आता है, और जो आउट ऑफ बॉक्स आता है वो पाए 9 के साथ आता है रेडमी नोट 7 प्रो। दोस्तों यहाँ पर और एक बढ़िया बात मैं आपको बता दूँ कि दोनों में सिर्फ 1000 रुपये का डिफरेंस है। यह है 12999 और यह है 13999, यानी कि यूं कि ये 13000 में बढ़ेगा रेडमी नोट 6 प्रो, और रेडमी नोट 7 प्रो जो है वो 14000 रुपये में बढ़ेगा आपको। तो दोनों का ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है, बट इसको जो नॉच दिया गया है पूरा लेटेस्ट वाटर ड्रॉप नॉच है, और ये जो नॉच है आईफोन 10 की तरह थोड़ा सा क्लासिक नॉच है। और नीचे भी देखिए यहाँ पर पूरा लाइन दिया गया है, इसमें थोड़ा सा कट दिया गया है, कर्वी कट है। इसका डिस्प्ले काफ़ी शार्प है कंपेयर टू रेडमी नोट 6 प्रो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, रेडमी नोट 6 प्रो में प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 636, इसका जीपीयू है 512 जो ओके ऑक्टोकोर प्रोसेसर है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। जहाँ की रेडमी नोट 7 प्रो जो है वो भी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, बट ये ऑक्टोकोर प्रोसेसर होते हुए 2 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते हैं। 675 प्रोसेसर इसका दिया गया है जो काफी लेटेस्ट है कम्पेयर टू 636, और इसमें आपको जीपीयू मिलता है 612 जो गेमिंग के लिए काफी अच्छा है दोस्तों। जी हाँ, तो इसकी कैपेसिटी और बैटरी एफिशिएंसी कम्पेयर टू 6 प्रो के मुकाबले 7 प्रो का काफी ज्यादा है। और दोस्तों इसमें सबसे हाईलाइट फीचर है कैमरा, दोनों के कैमरा आपको बता दूं। ये देखिए पीछे की ओर इसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासेस दिया गया है, सामने भी इसके कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासेस 5 है, बट यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासेस 3 है रेडमी नोट 6 प्रो में सिर्फ सामने। पीछे पूरा मेटालिक बॉडी दिया गया है और डुअल रियर कैमरा है सर पीछे। ये पहले 6 प्रो का देखिए 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल विद एलईडी फ्लैश के साथ और फिंगरप्रिंट सेंसर, और सामने दिया गया 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डुअल सेल्फी कैमरा। ये सेल्फी के लिए खासकर फेमस है रेडमी नोट 6 प्रो कम्पेयर टू 7 प्रो के मुकाबले। 7 प्रो में दोस्तों आपको पीछे में मिलेगा 48 मेगापिक्सल जो फेमस अब तक का फेमस कह सकते हैं हम, और ये है 5 मेगापिक्सल 48 और 5 दो डुअल रियर कैमरा है इसके, और फ्रंट में इसका सिर्फ सिंगल है 13 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों कम्पेयर टू नोट 6 प्रो कैमरा इसका फ्रंट का काफ़ी कम है नोट 7 का, तो यहाँ पर डुअल कैमरास मिलेंगे वो भी 20 मेगापिक्सल और यहाँ का सिंगल 13 मेगापिक्सल। और अगेन बट इसका जो पीछे वाला है 48 मेगापिक्सल है जो काफ़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू इसके जो 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल है। तो दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस था। ये देखिए यहाँ पर मेटेलिक बॉडी है और ये पूरा ग्लासी बॉडी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासेस दिए गए हैं। तो आपको बता दूँ ये मैंने ये लगाया हुआ है, ये आपको मैं निकल कर बताता हूँ। ये देखिए काफ़ी ग्लॉसी पूरा शाइनी है, बहुत ही मजबूत मोबाइल है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासेस पाए दिए गए हैं और ये है पूरा स्टील। तो दोस्तों ये हो गया जहाँ तक मैंने आपको कैमरा बताया। तो कैमरा का यहाँ पर लॉगिन करके मैं आपको बता सकता हूँ, यूजर इंटरफेस थोड़ा सा देख लीजिए खाली दोनों का। ये है 7 प्रो और ये है नोट 6 प्रो। तो दोनों के देखिए ऊपर के जो है सेम ही लग रहा है मुझे, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। नीचे भी देखिए यहाँ पर सेम है, स्टार्ट से देखिए, ये देखिए शॉर्ट, ये देखिए शॉर्ट, ये वीडियो देखिए, ये देखिए फोटो, ये पोर्ट्रेट, नाइट मोड स्क्वायर, ये पोर्ट्रेट नाइट मोड और स्क्वायर, ये पनोरमा, ये प्रो और ये मैनुअल। ये देखिए ये प्रो में क्यों 48 मेगापिक्सल से आप निकाल सकते हो रेडमी नोट 7 प्रो में, और ये जो 6 प्रो में है वो मैनुअल दिया गया है। तो दोनों में सेम है, आईओएस है, यस है, एफ है, वाइट ब्लैक दोनों दिया गया है, स्क्वायर पनोरमा सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सेटिंग्स में मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सेटिंग्स, और इसके सेटिंग्स में भी देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों दोनों में सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये दोनों का कैमरा का मैंने यूज़र इंटरफेस आपको बताया,
जो काफ़ी हद तक सेम है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रेडमी नोट 6 प्रो और ये है रेडमी नोट 7 प्रो। तो ये दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया। ज़रूर कमेंट्स करना कोई आपको कौन सा पसंद आया हो रेडमी नोट 6 प्रो या 7 प्रो प्राइस के मुकाबले। जी हाँ, ज़रूर कमेंट्स करना, और आप कौन सा यूज़ कर रहे हो फिलहाल वो भी ज़रूर कमेंट्स करना। तो बस आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद।